जिस दिन सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई उस दिन किसी को भी इस बात का शक नहीं था कि इनकी मौत एक बड़ी साजिश है लेकिन वक्त का पन्ना पलटता गया और इनकी मौत सवालों के घेरे में घिरता गया जी हाँ मौत के पंद्रह दिन बाद वो सच्चाई सामने आई है जिस पर यकीन तो नहीं होगा लेकिन इस सच्चाई को देखने के बाद वाकई में आपको इस बात पर भरोसा हो जाएगा कि सिद्धार्थ शुक्ला की जो मौत है ये पूरी तरीके से संदिग्ध है मौत के वक्त मौत के वक्त आखिर क्या हुआ मौत के पहले क्या हुआ और मौत के बाद क्या हुआ इन तमाम सवालों का असली जवाब पंद्रह दिन बाद आया है और जिस तरीके से एक वीडियो सामने आया है जो बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला के घर का ये वीडियो है और उसी दिन का वीडियो है जिस दिन सिद्धार्थ की मौत हुई थी यह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा और एक बड़ा सबूत भी सामने आया है जिस सबूत को देखने के बाद वाकई में सिद्धार्थ की मौत पर आपको भी पूरी तरीके से शक हो जाएगा और आप भी इस बात की मांग करेंगे कि सिद्धार्थ की मौत की जांच एक बड़ी जांच एजेंसी के हाथ में होनी चाहिए तो चलिए मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ वो सबूत दिखाता हूं और वो असली जानकारी बताता हूं जिससे रूबरू होने के बाद वाकई में आप भी सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के खिलाफ खड़े होंगे और उनकी जांच को लेकर आवाज उठाएंगे तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं शॉर्ट में बताते हैं एक दो लाइन में पहले बताते हैं कि सिद्धार्थ की मौत के पहले आखिर उनके घर में क्या हुआ था घर में जो कुछ भी हुआ था ये कुछ दिन पहले सामने नहीं आया था अब जाकर सच, असली सच्चाई सामने आई है सुबह सुबह उनको उल्टी होती है मीडिया रिपोर्ट में इस बात का दावा किया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला को सुबह उल्टी होती है उनकी हालत ख़राब रहती है शहनाज गिल कहती है कि बाहर मत जाओ मीटिंग के लिए मत जाओ वर्कआउट के लिए मत जाओ लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला नहीं मानते हैं वो तमाम काम करते हैं सिद्धार्थ जो डेली करते हैं लेकिन उनके बॉडी में चेंजेस सुबह ही शुरू हो गया था लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सिद्धार्थ कभी बीमार नहीं पड़ते थे उनको बॉडी में कोई दिक्कतें नहीं थी उनका जिम ट्रेनर कहता है कि सिद्धार्थ पूरी तरीके से स्वस्थ था आखिर स्वस्थ होने के बावजूद भी आकाएक उनके बॉडी में परिवर्तन क्यों दिख रहा था कुछ लोग तो यह भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि सिद्धार्थ को जहर दिया गया है ये वाकई में सवाल देखिए सवाल खड़ा करना हमारा काम है क्योंकि इनकी मौत पूरी तरीके से संदिग्ध है स्वस्थ इंसान अकाएक बीमार पड़ता है उनकी मौत 24 घंटे के अंदर हो जाती है और कई ऐसे पॉइजन है जो साइलेंट किलर के रूप में काम करता है अगर किसी भोजन में उसे दे दिया जाए तो 24 घंटे के अंदर धीरे धीरे इंसान की मौत होती है और किसी को शक भी नहीं होता है कि इनको जहर दिया गया है तो जहर देने के बाद का जो लक्षण है वो तमाम लक्षण सिद्धार्थ शुक्ला के शरीर में देखा गया क्योंकि उनको उल्टियां भी हुई घबराहट भी हुआ सीने में दर्द भी हुई ये तमाम चीजें हुई लेकिन उनके परिवार का साफ तो कहना है कि इनकी जो मौत है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है इनके सीने में दर्द हुआ है और इन्होंने खुद मेडिसिन भी ली है ग्यारह बजे रात में सवाल यहां पर यह है कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला इतना स्वस्थ थे वो कभी मेडिसिन लेते ही नहीं थे तो उनके घर में मेडिसिन आया तो आया कहाँ से आखिर वो मेडिसिन क्या किसी दबाव में दिया गया क्या कोई संदिग्ध व्यक्ति ने उसे मेडिसिन दी या फिर चुपके से मेडिसिन दे दिया गया ये तमाम सवाल आज भी खड़े हो रहे हैं इस पूरे मामले में एक वीडियो की बातें की जा रही है एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल चल रहा है और बताया जा रहा है कि ये सिद्धार्थ शुक्ला के घर का वीडियो है मैं इसके बारे में जल्दी चर्चा कर रहा हूं और बता रहा हूं कि आखिर ये वीडियो सिद्धार्थ शुक्ला के घर का है या फिर नहीं क्या वाकई में सिद्धार्थ का कातिल इस वीडियो में है ये तमाम जानकारियां मैं आपको देने जा रहा हूँ तो चलिए जिस वीडियो के बारे में चर्चा की जा रही है कि ये सिद्धार्थ शुक्ला के घर का वीडियो है और इस वीडियो में कातिल का चेहरा है उसी वीडियो से ये स्क्रीनशॉट लिया गया है आप तस्वीर में देखिए कि किस तरीके से कातिल चुपके से घर में दाखिल कर रहा है लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिद्धार्थ शुक्ला के घर की तस्वीर है जब हमारी टीम ने इसकी पड़ताल की तो कोई भी ऐसा सबूत सामने नहीं आया जिससे जाहिर हो कि यह तस्वीर सिद्धार्थ शुक्ला के घर की ही है यानी कि इंटरनेट पर जो वायरल चल रही है यह तस्वीर है तस्वीरें हमारी नजर में एकदम झूठी है दोस्तों आप देखिए कि किस तरीके से तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सिद्धार्थ शुक्ला की मौत वाकई एक बड़ी साजिश है क्योंकि इनकी मौत संदिग्ध रूप से हुई है यह हर इंसान मान रहा है लेकिन उनका परिवार साफ तौर से कह रहा है कि सिद्धार्थ की जो मौत है वो नेचुरल है और इसकी कोई जांच नहीं होनी चाहिए उनकी तरफ से कोई भी मांग भी नहीं है ये तमाम चीज़ें लेकिन दोस्तों हम सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस हैं लगातार उनको देखते आ रहे हैं लगातार उनको देखना चाह रहे थे उनकी प्रतिभा उनकी कला के हर लोग कायल थे ऐसा इंसान अकाएक खो जाता है तो वाकई में और खोने का तरीका भी पूरी तरीके से संदिग्ध है तो वाकई में ये मौत सवालों के घेरे में है और हम लोग सवाल जरूर उठाएंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए आगे के अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार